छोड़ी है, एक पाकिस्तानी हिंदू जिसने अपील की है हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी से, उनके जो स्टेटमेंट के अल्फाज हैं, जो लाइंस हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी और यहाँ आए पाकिस्तानी पब्लिक को भी सुनाना चाहूंगी। पाकिस्तानी पब्लिक इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, आए उनकी तरफ चलते हैं, उनके रिव्यूज लेते हैं, आपकी क्या राय है इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूंगी आपसे वीडियो के एंड पे, तब तक के लिए इजाजत है। आपका नाम? मेरा नाम तनवीर है। सर करते क्या है? मैं एक जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। बिल्कुल सही सर, आज को आप एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, वीडियो है पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी से, उन्होंने एक मैसेज दिया है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, इसको सुनिएगा और बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, ये आप सुनिएगा। नहीं नहीं, मुझे तो इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती, बट जो सेकंडली मुझे लगता है कि ये जो उनकी एस्टिमेशन थी कि वो 25 से 30% थी, आई डोंट थिंक ये इतनी ज़्यादा तादाद में हिंदू जो है पार्टीशन के टाइम में मे बी होंगे, बट दे माइट हैव माइग्रेटेड टू इंडिया। तो यहाँ तो ज़बरदस्ती तो पाकिस्तानी तो बहुत खुले दिल के लोग हैं, मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी, दे आर वेरी ओपन हार्टेड पीपल, और यहाँ तो ज़बरदस्ती जो है वो किसी को जो है वो मज़हब के मामले स्पेशली मेरा नहीं ख्याल को फोर्स किया जाता है, या मुझे इसमें सच्चाई नहीं लगती। सर अगर इसमें सच्चाई नहीं है, सच्चाई ना होने के बावजूद भी अगर ये जो वीडियो है सोशलाइज है, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या उनके ऑफिशियल्स या फिर इंडियंस देखते हैं, तो सर क्या रिएक्शन आएगा? आगे हम देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर ट्रेड भी नहीं है और हंसी मोहब्बत भी नहीं है दोनों की तरफ। क्या समझते हैं कि ये चीजें हमें कितना ज्यादा और दूर कर देंगे? नहीं, हमें दूर करेंगे, बट द थिंग इज के रियलिटी क्या है। ठीक है, उनको जो है वो किसी एक देखना सोर्स क्या है, ठीक है, जहाँ से उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, दे आर नॉट बायस्ड। वो जो चाहते हैं कि जो फोर्सेस हैं इंडिया और पाकिस्तान में, दे डू नॉट वांट आर टू नॉर्मलाइज अवर रिलेशंस ऑन स्टेट लेवल। तो ये देखना होगा कि ये जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली, वो कौन लोग हैं, सोर्स वो कहाँ से युवा सोर्स करती है ऐसी न्यूज़ कि पाकिस्तान में जो है वो ज़बरदस्ती कन्वर्जन उनको कराई जा रहे हैं, उनका मतलब जो है वो जबरदस्ती चेंज कराया जा रहा है। अभी सर अभी कुछ टाइम पहले एक लड़की का वाकया आया था जिसे हिंदू लड़की को एक लड़के के साथ शादी करवाई गई थी सर, वो वाकया बहुत सोशलाइज हुआ था, अगर हम वो भी बात करेंगे या फिर कुछ और चीजों को लेकर? एक आध इंसिडेंट हो गया, वो एक आध इंसिडेंट हो गया, इतने जो है वो लोग मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक आध अगर इंसिडेंट होता भी है तो वो दूसरी कम्युनिटीज में भी होता है। सर यहाँ पे आपने कहा है, सॉरी टू से, बट आपने यहाँ का एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम कहते हैं हम छोटी सी पॉपुलेशन, सर तब इकोनॉमी में छोटी आ जाती है, अभी वाकियात में बहुत बड़ी आ जाती है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो यार या मिलियंस पीपल हैं, अगर एक आध ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो इतनी उसमें उछालने वाली बात नहीं। पाकिस्तानी जब इकोनॉमी की बात आती है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों डिफॉल्ट हो जाती है, तो कहते हैं बताएं, कहते हैं कि 22 करोड़ मत सिर्फ है ना पॉपुलेशन, तो इतनी पॉपुलेशन के अंदर कौन सा ब्रांड आएगा, कहाँ इतनी वो होगी, तरक्की होगी? सर फिर अभी आपने कहा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और ये सच है कि हम दुनिया की 5वीं पॉपुलेशन है, सर फिर हम तरक्की क्यों नहीं करते? नहीं, हमारी तरक्की का मैं आपको बताऊँ, ये तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अल्लाह और दीन से दूरी है, सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ दीन से दूरी है हमारा, दीन हमारा जो है वो इवन कल्चर भी वो जो है वो मतलब वी आर गोइंग अगेंस्ट दैट, हम धोखा देही कर रहे हैं, जबकि ये है कि अगर आप अपने आपका हमसाया आपसे दुखी है तो आपको कोई इबादत कबूल नहीं है, आपको कोई रोजा कबूल नहीं है, क्योंकि आपका हमसाया आपसे खुश नहीं है। ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, जो आजकल इंडिया में है, वैसे तो हम सर से जब बात करते हैं सर यूरोप में होते हैं लेकिन इंडिया में हैं, और इस बात पे मैं सर से थोड़ी नाराज भी हूँ कि मुझे लेके नहीं गए सर, आप अकेले अकेले चले गए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी जेलस, यू नो कि मैं आपसे बड़ी जेलस हो रही हूँ कि सर आप चले गए और मैं नहीं जा सकी। देखो तुम्हारा काम भी हिंदुस्तान में बहुत सराहा जाता है और लोग जो हैं वो टेक यू वेरी सीरियसली एज अ मेजर ओपिनियन बिल्डर, तो अब ज़रा हालात अगर अच्छे हो जाए ना मेरे इस ट्रिप के बाद, तो हम कोशिश करेंगे कि आप जैसे रोशन ख्याल पाकिस्तानियों को यहाँ पे दावत दी जाए और फिर यहाँ से भी लोगों को पाकिस्तान में बुलाया जाए और एक महज़ब तरीके से दोनों तरफ जो हैं वो बात करें और ये ढूंढें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको एक दूसरे के पास लाती हैं
उनमें जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए, अलग किया जाए। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे आना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, यहाँ पे लोग तुम्हें सीरियसली फॉलो करते हैं, सो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉसिबल। जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझो आई एम ब्रेकिंग द आइस। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपको इंडिया का विजिट करना चाहिए, और आपका विजिट इस वक्त तक कैसा जा रहा है, कौन सी जगह आप गए? जैसे आप बता रहे थे कि आरएसएस के लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई है, तो यहाँ तो उनका बड़ा अजीब सा एक बनाया हवा जैसे कहते हैं बनाया जाता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए मेरे यहाँ आने की वजह कोई मेरा इरादा नहीं था, इरादा तो मेरा सालों से है कि मैं हिंदुस्तान जाऊं, लेकिन आना जाना आजकल पाकिस्तान ओरिजिन लोगों के लिए और पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए हिंदुस्तान में और वाइसी वर्षा तो पता है आपको बहुत मुश्किल है, तो कोई इनविटेशन आनी चाहिए। तो मुझे एक इनविटेशन आई वसंत बख्यन माला, इसका मतलब है क्या कहते हैं बहार की लेक्चर सीरीज। वो 1923 से वो शुरू हुए थे तो अब 2023 हुए हैं, तो हर साल वो, वैसे तो कई लोग आते हैं लेकिन एक ख़ास पॉलिटिकल मौजू पे किसी को वो बुलाते हैं, जिसमें मेरे से पहले महात्मा गांधी को उन्होंने बुलाया, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वहाँ बोल चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वहाँ बोल चुके हैं, सरदार पटेल जो हैं बोल चुके हैं, और इस तरह तो मैं एक बहुत लंबी लाइन है जिसका नाम ले सकता हूँ। लेकिन जब ये 100 साल हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया, और मेरा मौक़िफ़ तो ये था कि आई एम एन एकेडेमिक, ये लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक जगह है, सो क्या मैं ही बाकी आदमियों जो आप बुलाना चाहते हैं? वो कहते हैं इस वक्त हम समझते हैं कि हिंदुस्तान और फ्रीडम स्ट्रगल और पार्टीशन और करंट पॉलिटिक्स में जिसकी ओपिनियन सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, मैंने जाके जो देखा है वो आप हैं, तो आप ही सेंटेनरी जो है ना की नोट आप डिलीवर करें। तो मुझे जो टॉपिक दिया था वो था द टेल ऑफ टू ब्रदर्स लॉस्ट इन अ फेयर, यानी मेले में दो भाई हो गए, कोलन, इंडिया पाकिस्तान सोशियो पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरीज के बाद में उनके क्या डायरेक्शंस बने, एंड व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट एंड हाउ शुड दे डील विथ ईच अदर, और वो अब एक दूसरे के साथ किस तरह रिश्ता या ताल्लुक रखें। तो आपको तो पता है ये इशू मेरे दिल के बहुत करीब है, और जो भी मेरी रिसर्च है जिसकी बुनियाद पे मुझे बुलाया गया, आपको ये भी बात बता दूं कि मुझे यकीन है कि मेरी किताबें हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। इतने लोग कहते हैं जी आपकी सारी किताबें हमने पढ़ी हुई हैं, जबकि पाकिस्तान में अक्सर लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं। तो यहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज हमसे बहुत कई गुना ज्यादा है, और इंटेलेक्चुअल लेवल यहाँ की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल इनकी ग्रोथ जो है वो एज यू ड्राइव अराउंड नज़र आ जाती है कि हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, और इनका एग्रीकल्चर ग्रीन एज यू मूव। तो डॉक्टर साहब आप इंडिया में हैं और काफ़ी टाइम से जो है आप डिफरेंट स्टेट डिफरेंट सिटीज़ को विजिट कर रहे हैं, आज मैं आपसे जानकारी हासिल करना चाहती हूँ जैसे कि मुस्लिम और हिंदू गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में। पाकिस्तान में जो मुस्लिम फैमिली का जो ज़्यादातर ट्रेंड होता है वो बच्चों को मदरसा भेजती है स्पेशली गर्ल्स को, और गर्ल्स को एजुकेट करने से मुसलमान फैमिलीज बहुत ज़्यादा डरती है। कुछ लोग हैं जो लिबरल सोच के हैं, तो आप इंडिया के जब मुस्लिम फैमिली से मिलते हैं वहाँ की जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनके एजुकेशन का मियार क्या है, क्या वो भी मदरसा जाते हैं स्कूल जाते हैं,
कम पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, वहां की मुस्लिम विमेन किस तरह से रह रही है, जरा प्लीज हमें बताइए इस बारे में। ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ राकेश बैद साहब के पास, उनका मैं मेहमान हूँ। तो मुझे कल ही शाम को एक इनविटेशन आई है अलीगढ़ से कि वहाँ की जो मुस्लिम टीचर्स हैं और लेडीज उनकी, वो दे वांट मी टू कम एंड स्पीक टू देम ऑन एजुकेशन। तो बिल्कुल जो आपने टॉपिक चूज किया है उसी पे, तो मैंने कहा यार बाकी जगह मैं जाऊँ मुझे यहाँ जरूर जाना चाहिए। इससे पहले मैं जब नासिक में था तो वहाँ ईद मिलन पार्टी हुई थी, वहाँ पे जो मुसलमान एजुकेशन में है ना, टीचर्स प्रोफेसर्स वो ही ज़्यादा आए हुए थे। तो वहाँ मैंने कहा देखो यार बेसिकली सोसाइटी का रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो लोग एक दौर में उसके जो चैलेंजेस हैं उसके लिए तैयार होते हैं वही उन चैलेंजेस को हैंडल करके तो कामयाब होते हैं। तो आज का दौर जो है उसमें इल्म, और इल्म वो नहीं जो मजहबी इल्म हो, वो अपना एक प्राइवेट मैटर है, आपका स्पिरिचुअल मैटर है। इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जो आजकल नया इल्म आ रहा है अगर आपके पास वो नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। और मैंने कहा खास तौर पे यहाँ पे भी मुझे जो नजर आ रहा है वो यही है, वहां पे हालांकि दो तीन लड़कियां आई हुई थी और एक ने वहां पे एक गाना भी गाया मुझे वेलकम करने के लिए, एंड शी सैंग वेरी वेल। लेकिन ये अभी भी मुसलमान जो है ना वो एजुकेशन में मर्द भी पीछे हैं और औरतें उनसे भी ज्यादा पीछे हैं, और इसके अंदर कोई दूसरा हल नहीं है मां सिवाय इसके कि वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं एजुकेशन की उससे पूरा फायदा उठाएं। तो ये बाकी ट्रेंड जो आप बता रही हैं ये सारी दुनिया में फॉर सम रीजन मुसलमान बच्चों को रोका जाता है ये मॉडर्न इल्म की तरफ बढ़ने के लिए, गुर्बत हो सकती है वजह, और इंफॉर्मेशन नहीं है, और फिर ये कि लड़कियां पब्लिक में जाने से लोग थ्रेटन्ड फील करते हैं, ये सब मसले मुझे समझ भी आते हैं। मैं एक अपना किस्सा लाहौर से सुना दूं, मेरी एक स्टूडेंट थी जो घर से पूरा बुरका पहन के आती थी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो कैंपस पे आके वो बुरका उतार देती थी। तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि भाई ये क्या हुआ, उसने कहा कि जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वहाँ पे अगर मैं बुरका पहन के ना निकलूँ तो आवाज़ें लोग कसते हैं, और तो और मेरे कज़न मुझे मारने को तैयार हो जाए, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँचती हूँ तो यहाँ पे टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं तो मुझे आई डोंट फील थ्रेटन। तो उस बेचारी के लिए बुरका वहाँ से निकलने के लिए था। लेकिन बात क्या है कि अभी तक मुसलमानों को ये समझ नहीं आई कि औरत और मर्द जो हैं वो दोनों इंडिविजुअल हैं, और इंडिविजुअल कोई दो एक नहीं हो सकते, ना दो बहनें एक हो सकती हैं ना दो भाई एक हो सकते हैं, तो सारी कायनात कैसे एक जैसी हो सकती है। इसमें इन हालात में जो मौके हैं जिंदगी में उनको हासिल करने के लिए आपको जब तक वो क्या कहते हैं हुनर या कंपटीशन या एजुकेशन ना होगी तो आप पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान में भी आप मैंने देखा है कि अगर आप वो जो है ना एक तो मोटर वे है, अगर उसकी बरक्स आप लाहौर से, मेरा ख्याल है कि जो आजकल हमारे हालात चल रहे हैं ना ये तकरीबन सही कह रहे हैं कि मतलब उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे, हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे सेवेस्ट नहीं रखा जा रहा, हिंदू में यहाँ पे मुस्लिम है उनको तो राइट्स नहीं मिल रहे वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे हमारे पाकिस्तान में भी तो आपके सामने हालात है, यहाँ पे कौन से राइट्स मिल रहे हैं। मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में कई ऐसे केसेस आते हैं जिनमें ज्यादतियाँ हो रही हैं हमारे इलाकों में, देखो डी जी खान या डी खान या बखर एरिया में, ऐसे छोटे छोटे मुल्तान ऐसे इलाकों में ज़मींदारों ने बच्चियों को मतलब जकड़ के रखा होता है, भट्ठा मजदूरी कराते हैं उनको, उनसे मतलब ये करते हैं कि एडवांस पैसे उनको दे देते हैं और उसके बदले में उनसे वो सारी ज़िंदगी जो है ना वही जंजीरों के साथ बांध बांध के भट्ठों से ईंटें बनवाते रहते हैं।
को पाकिस्तान में कैसे लाते हैं आपके सामने? मैं जानता हूँ अगर ये हालात पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री में है तो इस्लामिक कंट्री फिर हम कहते हैं कि हमारे दीन इस्लाम ये चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। सर फिर हम मुसलमानों के होते हुए अगर हम हिंदूज को या यहूदियों को हम टारगेट करते हैं, सर फिर हम लोग क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ कि समुदाय लोग कहते हैं कि पहले अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैं क्या हूँ। जब मैं खुद ठीक होऊंगा तो पूरी दुनिया के लिए मैं ठीक, जब मैं खुद गलत हूँ तो दूसरों को क्या तनकीद हम करेंगे? हम मुसलमान क्या कर रहे हैं आपके सामने है सारा? सर अगर ये वीडियो, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया वीडियो है, पूरे इंटरनेशनल में घूम सकती है, हिंदुस्तान के अंदर जा सकती है, जैसे इस बंदे ने अपील की है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से, सर आप मुझे बताइएगा जब ये उनके ऑफिशियल सुनेंगे, जब इंडियन सुनेंगे, आगे कौन से हालात पाकिस्तान और इंडिया के बेहतर हैं, आगे कौन से हमारे बीच मोहब्बतें हैं, आगे कौन सी ट्रेड है जारी है? तो सर इस वीडियो के बाद हिंदुस्तानी हमारे लिए क्या सोचेंगे या फिर उधर के ऑफिशियल्स क्या एक्शन लेंगे इसके ऊपर? देखो पहली बात यह है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके हबीब पर हमारे ईमान और यकीन है, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे पैरवी करनी चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। बाकी जो हमारे हालात जिस तरह चल रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो आजकल के हालात हैं मेरे ख्याल में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम जा रहा है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि पहले हमें खुद ठीक करना चाहिए, अगर हम खुद ठीक है तो फिर दूसरों को भी टारगेट कर सकते हैं, जब हम खुद ठीक नहीं है तो फिर दूसरों को क्या टारगेट करेंगे? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। 7 मई को मैं पहुंचा सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट पे, और उसके बाद हम नासिक आ गए बाइक कार। अजय तोशनीवाल और विनय कुलकर्णी ये दोनों साथी जो इस वसंत वखियन माला के मेंबर्स हैं वो मुझे लेने आए हुए थे, और उसके बाद मेरी तकरीर हुई 9 को, उसके बाद 11-12 तक हम 10 को भी एक मैंने स्कूल देखा जो एक नया आइडिया है, एक नौजवान है सचिन जोशी जिन्होंने ऐसा स्कूल बनाया है कि मैंने कहा यार कोई टाइम मशीन लाओ कि मैं दोबारा यहाँ से स्कूल एंटर करूँ। वो बच्चों को और टीचर्स को करीब लाना, और एक तो है ना जो इल्म हम देते हैं दुनिया के साथ साथ जानवरों को भी वो बुलाते लाते हैं वहाँ, नेचर में ले जाते हैं, ताकि जो रिश्ता है ना इंसानों का बाकी यानी क्रीचर्स के साथ, और इनके पढ़ाने का तरीका भी बड़ा वो क्या कहते हैं एडवांस फ्रेंडली, अमन प्यार मोहब्बत। वहाँ पे मुझे कई मुसलमान टीचर मिले स्टाफ के अंदर जो लीडिंग उनके पास पोजीशंस हैं, और फिर वहाँ पे मुझे तकरीर भी करनी पड़ी जिसपे बहुत लोग आए हुए थे। सो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद अगले दिन वहाँ के नासिक के मुसलमानों ने एक ईद मिलन पार्टी की मेरे लिए, और वहाँ पे ज़्यादातर जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं स्कूलों में पढ़ाते हैं मुस्लिम वो ही आए हुए थे, यानी पढ़े लिखे लोग आए थे, लड़कियां भी थीं, एक लड़की ने एक गाना भी गाया मुझे वेलकम करने के लिए, तो बहुत वहाँ पे भी प्यार मिला। मैंने तकरीर में कहा देखें कहीं भी दुनिया में हो उसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस दुनिया में अगर आपने आगे बढ़ना है तो जो मॉडर्न एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लड़कियों की जो है ना उनको उनका हक मार के तो बाकियों को दिया जाए, लड़कों को ये ना करें, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। अगर मुस्लिम लड़कियां पीछे रह जाएंगी तो पूरा ख़ानदान जो है वो अभी, तो ये मेरी सारी बातें लोगों ने मानी, जो उनकी डिफ़िकल्टीज हैं वो भी मुझे समझ आई। और मैंने एक और बात कहा, मैंने कहा यहाँ पर आपने उर्दू स्कूल खोले हुए हैं महाराष्ट्र में, आपको मराठी में भी पढ़ाना चाहिए ताकि जिस जहां आप रहते हैं लोकल सोसाइटी और रहने वाले भी वहाँ के हैं, ये तो नहीं कि वो बाहर से आए हुए हैं, वो मराठी यानी लोग। तो ये भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे बड़ा अप्रिशिएट किया गया। फिर मैं आरएसएस के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनके हाई अप्स जो हैं नासिक के अंदर, कोई सर्जन है कोई
रिटायर्ड मिलिट्री जनरल, कोई अखबारों के एडिटर्स, वेरी वेल एजुकेटेड पीपल बट आरएसएस। तो उन्होंने जो मेरे इस आइडिया को इंडिया पाकिस्तान पीस पे बात करते हुए पूछा कि देखें हम कैसे पाकिस्तान पे एतबार कर सकते हैं कि ये पीस चाहते हैं, क्योंकि जब जब कोशिश हुई, वाजपेयी साहब आए तो कारगिल हो गया, जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उसके बाद पठानकोट हो गया, और ये टेररिज्म और बॉम्बे का अटैक, इन हालात में हम आपके मिशन को वेलकम करते हैं लेकिन जो हकीकत है उसकी भी बात की जाए। मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बग़ैर कंडीशंस के पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें या नॉर्मल रिलेशंस करें। सबसे पहले इस पे फैसला होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनका रेजोल्यूशन पीसफुली होगा और नो टेररिज्म, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। पाकिस्तान से जो कुछ हुआ आज तक वो बिल्कुल नामुनासिब था, और अगर इंडिया बलूचिस्तान में या कहीं पाकिस्तान में भी इस किस्म की हरकत करता है तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए। दोनों मुल्कों को चांस दिया जाए कि बजाय सिक्योरिटी पे और फौज के ऊपर इतना खर्च करें, वो अपने रिसोर्सेज को पॉजिटिव तरीके से मुल्कों को डेवलप करने में करें। अब बात यह है कि हिंदुस्तान ने तो ये किया हुआ है, उनका जो एक्सपेंडिचर फौज पे और डिफेंस पे है वो चाइना ओरिएंटेड है बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान, लेकिन उनकी इकॉनमी 10 गुना ज्यादा है, बल्कि पाकिस्तान की तो आज इकॉनमी है ही कोई नहीं, बिल्कुल तो बैंकक्रप्ट हुए हुए हैं। मे बी दे कैन अफोर्ड बट वी कैन नॉट इन पाकिस्तान, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर अमन होगा तो मैंने कहा मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में समझता हूँ ज्यादा है, आपका शायद इतना नहीं है कि अमन हो। तो मैं एज अ पाकिस्तानी कह लें आप बात कर रहा हूँ आपसे, वी नीड पीस विथ इंडिया, मे बी इंडिया कैन डू विदाउट पाकिस्तान। तो ये बात उनको अच्छी लगी कि ये बिल्कुल सही बातें जो होनी चाहिए, उसके बगैर क्यों अमन करेंगे भी हमारे साथ, वो तो कामयाब है, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल हमें जरूरत है। फिर मेरा एक प्रपोजल था कि कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इसको परमानेंट बॉर्डर बना दिया जाए, तो उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारा जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो हिंदुस्तान का इनसेपरेबल। मैंने कहा देखें इस पे 4 जंगें हो चुकी हैं, एक और जंग अगर होगी तो न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे, तो ये फैसला कश्मीर का जंग से तो हल हो नहीं सकता। तो बेहतर है कि जो हकीकत ये अपना 75 साल में बन चुकी है, इसी को हकीकत मान के आप इस हकीकत को बेमायने कर दें बाई ओपनिंग द बॉर्डर्स फॉर द कश्मीरी पीपल, और आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, जिसकी वजह से फिर ट्रेड अगर होगी तो ये इलाका तो इज गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स द इंजन ऑफ ग्रोथ इन द वर्ल्ड। इंडिया की इकोनॉमी जितनी ग्रो कर रही है उसी के बैंड वैगन पे पाकिस्तान भी आ जाएगा, और पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे, मैंने कहा। तो ये भी मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब है, और जो कश्मीर हमारे पास है वो आफ्टरऑल जंगें हुई तो वहाँ पे फैसला हुआ है ना, तो जंग का फैसला भी यही है कि वो उधर और हमारा हमारे पास। दिस कैन नॉट बी चेंज बाई द यूज ऑफ फोर्स बिकॉज इट विल एंटेल न्यूक्लियर वेपन्स। तो मैंने जो अपना जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ वही मैंने बातें उनसे की, और वो कहते हैं जी हमने आपके सारे इंटरव्यू देखे हुए हैं। तो मुझे इंडिया में बहुत देखा जाता है, उसमें कुछ जगह पे तुम्हारा नाम भी लिया गया कि आरजू कासमी के साथ भी हमने आपका प्रोग्राम देखा है, तो ऑब्वियसली यू आर इन द पिक्चर इन इंडिया एज आई गो अलोंग। सर आपको लगा कैसे है? सर जैसे पाकिस्तान भी अभी आप आए थे और अभी आप इंडिया जैसे गए, लोग कैसे लगे आपको, जगह कैसी लगी, कौन सी सिटीज में आप गए वो भी बताइएगा। मैं वही बता रहा हूँ ना, सबसे पहले बॉम्बे लैंड करके नासिक में,
7 से लेके 12 तक मैं नासिक में था। 12 तारीख को हम फिर नासिक से मुंबई चले गए और वहाँ पे 2-3 फंक्शंस में मैंने हिस्सा लिया। मेरे कई पुराने दोस्त हैं जिन्होंने घरों में महफिलें बुला लीं इंटेलेक्चुअल्स की और ये और वो। मैडम, इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि सबसे पहले अगर कि इस तरह की कोई बात रिलीजियस कर भी रहे हैं तो हमें, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है और हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए अगर कुछ इसमें आ रहा है। देखिए, रिलीजियस के मामले में बगैर सोचे समझे बगैर इन्वेस्टिगेशन में कुछ बात नहीं करनी चाहिए। सही बात है। अगर तो ये कर लें इस तरह की बात तो ये नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो या कोई और भी उनका रिलीजियस हो। तो सबसे पहले कमेंट देने से पहले मेरा तो यही है बिलीव कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए अगर कुछ इसमें है। आप लॉयर हैं, आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, मेरे से ज्यादा अच्छे से पढ़ी होगी। आप मुझे बताएगा क्या हमारी हिस्ट्री में कहीं भी कहां कोई ऐसी चीज लिखी गई है जिसमें हम देख सकें कि हिंदू जो कि पाकिस्तान के अंदर 20-27% थे, अब 2-1% रह गए हैं, वो सारे हिंदू कहां गए? क्या उनमें ये सच्चाई है कि वो माइग्रेट करके, क्या उनमें ये सच्चाई है कि उनका मजहब डाइवर्ट करवाया गया? आप मुझे बताइए। देखिए, हमें भी एज ए मुस्लिम मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें डाइवर्ट करवाया गया। देखिए, अगर उन में कोई ऐसी चीज़ उनको नज़र आई है हमारे रिलीजियस के अंदर तो फिर वो खुद ही कन्वर्ट हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं कि हम इस तरह, तो हम बहुत सी मिसालें हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए लोगों के हिंदूज के ले सकते हैं जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। हमारे हमसे ज़्यादा मुसलमान शायद इंडिया में होंगे, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी इस तरह की बातें होती हैं कि ये नहीं कि किसी भी कंट्री के अंदर, हर कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर इससे भी ज़्यादा है हमारे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तो इस तरह का शायद बयान रिलीजियस के रिलेटेड दे रहा है तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर उसमें है तो फिर जरूर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। सर, ये वीडियो हिंदुस्तान जब सुनेगा या उन्होंने सुनी होगी, जब उनके ऑफिशियल्स तक जाएगी, तो आप मुझे बताएं कि क्या रद्द अमल होगा? आ गई, हालात बहुत अच्छे थोड़ी है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, ट्रेड थोड़ी अच्छी है, या फिर मामला को ये बहुत चीदा थोड़ी नजर आते हैं? मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, जिस तरह आप बता रहे हैं। मैंने तो वीडियो के अंदर फर्स्ट टाइम देखने से बंदा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है ना वो नहीं कर सकता कि इसमें क्या। आपको क्या लगता है कि इसको ये जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हिंदू है इसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, या फिर इसका आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन सी ऐसी चीज होगी जिसके बिना पर इसने बोली है? क्या पाकिस्तान के जो भी हालात है इस वजह से कि हिंदुस्तान कोई ऐसा एक्शन ले, या कोई और वजह लगती है? मैडम देखिये, अगर तो ये एज ए रिलीजियस अगर तो उन्होंने इस तरह की कोई देखिये, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेंशन देखनी पड़ेगी कि क्या ये रिलीजियस के रिलेटेड इंटेंशन है उसकी, या फिर वो देखिए राइट है हर बंदे को अपने, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें राइट है हम उसकी उसको करें, और अगर वो एज ए हिंदू हिंदुइज्म है तो उसमें भी कोई लिमिटेशन है, इस तरह आप ओपनली नहीं कर सकते। तो इसका यही है, बंदे को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर देखिए उनका अगर एज ए मुस्लिम हम मुसलमान हैं तो हमें इस तरह नहीं उन्हें करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर इसमें है, अगर वो कर रहे हैं इस तरह का मामला, तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले इसके अलावा। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। तो हाँ, एक और बात है, मेरी एक किताब जो आई है ना, प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, वो बॉलीवुड के जो सबसे बड़े आफ्टर राज कपूर शोमैन गिने जाते हैं, सुभाष घाई जी, उन्होंने अपने स्टूडियो में विस्लिंग वुड्स में कहा कि वहाँ पे आए, और उन्होंने मेरी उस किताब का वो इफ्तिताह किया। तो वो सारी जो पिक्चर्स हैं फेसबुक पे तो मैं लगाता रहा हूँ, और सुभाष गाय इज द टॉप मैन, पीछे से ये जेलम के रहने वाले हैं इनके बुजुर्ग, तो एक वो भी रिश्ता था, वो पंजाबी बहुत आए हुए थे वहाँ पे, वहाँ पे मुझे मिली अपना शमा जैदी जो एक मशहूर फिल्म मेकर हैं, पता नहीं आपने देखा है या नहीं, श्याम बेनेगाल के साथ उन्होंने बहुत फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है, वो आर्ट डायरेक्टर भी हैं। मैंने सुभाष गई साहब की तो कई फिल्में देखी हैं, लेकिन वो आप देखिए उसमें शमा जैदी ने कई डायलॉग और स्टोरीज भी लिखी हैं। तो उनके साथ मुलाकात हुई, हमने फिर लंच किया। अब होता यह कि व्हाइल आई टेल द स्टोरी, तो किसी ऐसे दोस्त का जो मेरे साथ
जिसने बहुत प्यार किया है, वो अगर मैं भूल जाऊं तो फिर सारी रात मैं अपने आपको कोसता हूं। तो कहना चाहिए कि ये सारी दावत जो इंडिया में आने की है, ये सेरा अजय मधुकर तोशनीवाल हैं, जो एक लॉयर हैं और वो नासिक के रहने वाले हैं, और ये बसंत बखियन माला के वो मेंबर, बोर्ड के मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी और समथिंग। श्रीकांत बैनी जी भी आए जो उनके प्रेसिडेंट थे, इस तरह और भी कई लोग हैं, विनय कुलकर्णी। तो इसके बाद फिर हम बॉम्बे गए, तो वो पूरा रास्ता जो है वहाँ के एसपी पुलिस रिटायर्ड संजय संगले जो हैं, उन्होंने अपनी कार में मुझे लेके गए और 5 घंटे हम गुफ्तगू करते रहे। ये उन्होंने वॉलंटरीली ये सारा कुछ किया कि हम लेके जाएंगे, नो डोंट यू वरी। रास्ते में अच्छा, व्हाइल आई वाज इन नासिक, तो राम चड्डा साहब एक हैं जिनके बुजुर्ग मलकवाल हमारे गुजरात के करीब के रहने वाले थे एक ज़माने में, उनके वालिद साहब अभी भी हयात हैं। तो उन लोगों ने रिटायर होने के बाद एक डायलिसिस क्लिनिक बनाई है जहाँ पे 21 बेड पे वो फ्री सर्विस करते हैं उन लोगों की जो इतने गरीब हैं। पता है डायलिसिस होता है किडनी फेलियर, जी, तो पूरा खून बदलना पड़ता है यार। तो मैंने जब वहाँ गया और मैंने देखा लोगों को, तो मैंने कहा यार हम भी टेक अवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, यू आर लकी कि तुम्हारा ये हाल नहीं है। वो बेचारे लेटे हुए, लेकिन उनको फ्री ये उसमें वहाँ पे एक हाजी साहब भी आए हुए थे जो मतलब ये डोनेशंस लोग देते हैं। इंडिया में ये बहुत रिवाज है कि लोग अपना कारोबार, अपने ऑफिस का काम, रिटायरमेंट, तीनों चीज़ों में काम करते हुए भी एक जिंदगी का पोर्शन वो किसी सोशल इशू पे के लिए दे देते हैं, यानी बच्चों को पढ़ाना, गरीबों के बच्चों को। ट्राइबल यहाँ पे लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूर दूर तक जंगल के अंदर रहते हैं, उनको जाके पढ़ाना ताकि भी आगे आप तब भी बढ़ सकते हैं। मुसलमान इलाकों में भी जाके सर्विसेज उनको सिखाना, और कई मुसलमान भी मुझे साथ साथ हर जगह मिले। मैंने सबसे बड़ी चीज़ नोट की वो ये थी कि हर गली कूचे में अकेली लड़की जा रही है यार, रात के 10 बजे भी मैंने देखा है, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई लड़का जा रहा हो। तो हर किस्म के कपड़े भी पहने हुए हैं, बुरके में मैंने लड़कियां देखी, हिजाब वाली भी देखी और वेस्टर्न क्लोथ भी देखी, साड़ियाँ तो हैं ही हैं, शलवार कुर्ता जो पहनते हैं औरतें जो हमारे तरफ एग्जैक्टली वो यहाँ भी पहना जाता है, लेकिन औरतें यहाँ पे कदरे बहुत आज़ाद हैं, सोसाइटी उनको इस तरह हैरेस नहीं करती जिस तरह के पाकिस्तान में करती है। पाकिस्तान की अपर क्लास लोगों को तो कोई हैरेस नहीं ना करता, वो तो एक गाड़ी से गए तो दूसरी जगह चले गए, मगर आम मिडिल क्लास के लोगों के लड़कियों के लिए मुसीबत होती है कहीं आना। हाँ जी, ये इंडिया में कम से कम जो जो मैंने जगह देखी है वहाँ पे मुझे नजर नहीं आई, और मैंने दाढ़ी वाले पता लग रहा है कि ये मौलवी है, वो घुटने से ऊंची सलवार पहनी हुई है और बड़े आराम से जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। तो आम हालात में जो जिंदगी की तर्ज है वो तो ऐसे लगता है कि हर बंदा अपने ही आज़ादी से सारा कुछ कर रहा है। सियासी माहौल में जो दंगे फ्याज हो जाते हैं वो दैट्स नॉट फॉर मी टू कमेंट ऑन। वो ये नहीं है कि जिंदगी का वो रोज जिंदगी का एक इवेंट है, वंस इन अ वाइल अगर हो जाते हैं तो फिर स्टेट का जो भी है एक्शन मुनासिब ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, है या नहीं है आई एम नॉट हेयर टू जज, मेरे पास टाइम भी नहीं है उसका। मैं तो अपनी दोस्ती का पैगाम लेके आया हूँ और हर जगह मेरे लोग दरवाजे खोल रहे हैं, और महाराष्ट्र के अंदर एक मसलन अच्छा, इसके बाद बॉम्बे से आके फिर मैं रहा वहाँ पे
नासिक, तो वहाँ पे हैं डॉक्टर मनोज चोपड़ा, उन्होंने मेरा पूरा मेडिकल वो चेकअप किया, हार्ट, किडनीज, प्रोस्टेट, लंग्स, ये वो, एंड दे फाउंड नथिंग रॉन्ग। सो उन्होंने कहा कि आप अगर वैसे मैं करवाता तो शायद 25-30 हज़ार रुपए लगते हैं, उन्होंने फ्री किया मेरे लिए, क्योंकि वो इसी किस्म की सोच के लोग हैं, सोशल काम करना, और उनका आप मेहमान हैं, आपसे कैसे हम ले सकते हैं। और आपको इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर कई मुझे डॉक्टर्स हैं जो फ्री पाकिस्तान से आए हुए बच्चे जिनका हार्ट प्रॉब्लम कंजेनिटल उसे कहते हैं, वो उनका फ्री करते हैं, डॉक्टर शर्मा है, तो वो बाद में बात करता हूँ। तो वो चड्डा, राम चड्डा जी के साथ भी हम उनके फादर से भी अपनी जो टिपिकल वेस्ट पंजाब की पंजाबी बातें मैं करता रहा, और रस्ते में मुझे पहले से पैगाम था धीरज चोपड़ा साहब का, जिनके बुजुर्ग जंग मगियाना जो है ना हमारा, वहाँ से आए, उन्होंने भी कहा कि आप जाते हुए बॉम्बे लंच हमारे साथ करना है, तो वो फोटो भी मैंने फेसबुक के लगाई हुई है। सो एवरी इवेंट आई थिंक आई हैव पुट ऑन द फेसबुक। उन्होंने भी इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि एज इफ यू आर जॉइनिंग योर लॉस्ट फैमिली, ठीक है। और बॉम्बे के अंदर वो हैं राजन खन्ना जी, जो मेरे साथ उनकी बड़ी पहले से ही बातचीत होती रहती थी, तो उन्होंने अरेंज किया था एक्चुअली, जो ये सुभाष गायक को उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे यहाँ आप करें, अगर पंजाब के ऊपर ये किताब है तो प्लीज़। तो वहाँ बड़ी वहाँ पे हुई, राजन जी ने फिर अपने घर में भी अपने दोस्त बुलाए, जिसमें भी आरएसएस के लोग भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, कश्मीरी पंडित भी थे, और जो उनके साथ हुआ उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैंने उनमें कोई नहीं देखा कि वो जो नफरत है वो बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि जो हमारे लोकल कश्मीरी हैं वो अभी भी अगर हम जाएं तो बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो ये सारी सियासी किस्म की हरकतें हैं जो कहाँ से होती हैं, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सो वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। और फिर पुणे में जब आया तो राजू जी जो हैं अपना अजय के बड़े अच्छे दोस्त हैं, हर दिन वो मेरे साथ हर जगह गए। ग्रैंड ट्रंक रोड पे जाना शुरू करें टुवर्ड्स इस्लामाबाद, तो सारे रोड भरे होते हैं लड़कियों को, जो 100,000 के कभी स्कूल जा रही होती हैं या आ रही होती हैं, मगर प्रोपोर्शनली यानी इन रिलेशन तो औरतें कम एजुकेट होती हैं। सो पाकिस्तान में भी एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, फर्क क्या है? पाकिस्तान में एजुकेशन को आइडियोलॉजी के तहत दिया जा रहा है, और ये जो इस्लामिक आइडियोलॉजी एस बेसिस ऑफ एजुकेशन, ये नुकसानदेह चीज़ है। मैं समझता हूँ एजुकेशन की बुनियाद साइंटिफिक ग्राउंड्स होनी चाहिए और एविडेंस की बुनियाद पे एजुकेशन, ताकि अकल के हवाले से आप जो हैं एक हालात में आप 3-4 ऑप्शंस को अकल की बुनियाद पे चूज करके अपना फैसला करें। लेकिन आप अगर आइडियोलॉजी फिक्सेटेड हैं और आपको शुरू से ही इलम जो है वो एक साइडेड भी नहीं, एक ट्विस्टेड इलम दिया गया है, तो वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेसरों के लिए भी एक वो क्या कहते हैं, एक हाउ शुड इट वी से इट, इट्स अ स्ट्रैंगल होल्ड, यानी वो अकल के ऊपर वो ताले लगाने वाली बात है। तो ये आपने सवाल जो उठाया है बहुत बड़ा सवाल है कि दुनिया के अंदर अगर मुसलमानों ने तरक्की करनी है तो अपनी औरतों को इक्वल बेसिस पे आगे बढ़ने का चांस दे। हर सिविलाइजेशन के दो तरीके हैं जज करने के, कि वो अपनी औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं और वो अपनी माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट करते हैं, बस। इसके अलावा गुर्बत एक जनरल बात है, गरीबों का कितना ख्याल किया जाता है एडिशनली, लेकिन ये 2-3 चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अगर लोग कोशिश करें तो ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
आपको आईटी यानी ये जो है कंप्यूटर साइंसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इसमें मजहब की क्या जरूरत है मुझे बताओ तुम? इंजीनियर बनने के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए, फिजिसिस्ट बनने के लिए व्हाई डू यू नीड रिलीजन टू इंटरफेयर विद दिस? आप कहें कि मजहबी इल्म जो है वो मेरी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, वो तो हमें समझ आता है, लेकिन ये जो एडिशनल बोझ डाल दिया जाता है ना हमारे स्टूडेंट्स पे, वो नुकसानदेह होता है। इसमें कोई मजहब का ज्यादा जोश नहीं लोगों में आता, बल्कि लोग कॉपी करके कुरान की आयतें और हदीसें जो हैं उनको पास करने के लिए तरीके निकाल लेते हैं जस्ट टू पास द एग्जाम। तो मैं समझता हूँ एजुकेशन रैशनल होनी चाहिए, साइंटिफिक बेस्ड होनी चाहिए, ओपन टू करेक्शन होनी चाहिए। साइंस में और मजहब में क्या फर्क है? मजहब के जो सच क्लेम किए जाते हैं दे कैनॉट बी क्वेश्चन, दे कैनॉट बी टेस्टेड, दे कैनॉट बी टेस्टेड। साइंस का इलम जो है वो एविडेंस पे बेस्ड है, और अगर आप नया एविडेंस ले आए तो साइंस की वो थ्योरी जो है उसको करेक्ट करके एक नई थ्योरी लानी पड़ती है। इसीलिए साइंटिफिक डजंट मीन जो लेबोरेटरी साइंस, ये सोशल साइंस में भी यही है, हिस्ट्री भी पढ़ाने में यही होना चाहिए कि आप फैक्ट्स के हवाले से जो है वो ऑब्जेक्टिवली अपना किताबें लिखें और ये लिखें। अब मेरा जो इंडिया पाकिस्तान में इतना वजीराई हो रही है तो वो मेरे ये किताबों की वजह से, मेरे वीडियोस की वजह से ही हो रही है ना। सो आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड। मैंने आपके सवाल का बहुत लंबा जवाब दे दिया, बट आई एम वेरी ग्लैड यू पोज दिस क्वेश्चन। अगला सवाल डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगी। जैसे आपने साइंस की बात की, तो जो हमारे बच्चे दीन और दुनिया को लेके चलते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि ये जो अर्थ है, यूनिवर्स, ये फ्लैट है, जो कि साइंस के बिल्कुल ऑपोजिट चली जाती है। तो साइंस तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें वो कुछ अपना ही चूरन डाल के कुछ ऐसी गलत चीज बता रहे हैं कि आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि मुसलमान बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन रहे, उनकी तरफ से कोई इनोवेशन नहीं आ रही। जो तालीम दी जा रही है वो तो साइंस से बहुत परे है कि दुनिया जो है चपटी है। तो मैंने कहा ये हालात कैसे बच्चों को आगे मूव ऑन होने देंगे? देखें, बच्चों के बस में तो नहीं, जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा वही वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखें, दुनिया तो बिल्कुल गोल है। जब मैं स्वीडन में होता हूँ और तुम और मैं इंटरव्यू करते हैं, तो जब मैं उठ के नाश्ता कर लेता हूँ तुम्हारे वहां 3 बजे होते हैं। तो अगर ये दुनिया गोल ना हो तो हम दोनों एक ही टाइम उठें और एक ही टाइम इंटरव्यू कर लें। सो इट्स सो क्लियर कि इसके ऊपर सवाल उठाना ही हमाकत है। लेकिन जो है ना, एक मजहबी भी नहीं कहना चाहिए, आप इस्लाम को मौत के बाद क्या होना चाहिए, जहन्नम जन्नत वाली जो बातें हैं, मॉरली क्या होना चाहिए, एथिकली क्या होना चाहिए, उसके लिए आप लोगों को अपने अपने तरीके से समझाएं। लेकिन दुनिया में रहने के लिए तो अगर आप कहेंगे द अर्थ इज फ्लैट, तो मसलन अगर ये वाकई मान लिया जाए कि अर्थ फ्लैट है, और कुरान शरीफ के अंदर जो आयत है ना कि आप रोजा रखें, जो सिल्वर लाइन जो होती है यानी इफ्तारी उस वक्त होती है जब अभी रात से दिन हो रहा होता है, ठीक है, और इफ्तारी नहीं कहते, क्या कहते हैं, सहरी। और हाँ, इफ्तारी होती है जब शाम पड़ती है रात होने से पहले। हाँ, तो अगर आप स्वीडन से, जहां मैं रहता हूँ स्टॉकहोम से, आप 1000 किलोमीटर स्वीडन में ही नॉर्थ की तरफ चले जाएं, तो वहां समर के दौरान 4 महीने जो है दिन रहता है, रात पड़ती नहीं है, और विंटर के अंदर 4 महीने रात रहती है और सूरज नहीं निकलता। उसकी वजह ये है, ये देखो, ये है ना, दिस इज द सन, ठीक है, दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ। अब ये दोनों वो क्या कहते हैं, 90% के एंगल पे नहीं है,